मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के साथ भोपाल के कुशाभा ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस समारोह 2023 का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह ने भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मान किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगमायुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां स्थान, ग्वालियर को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ के जो मंत्र दिए हैं उनको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक भी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित पत्रकार समागम में सहभागिता कर पत्रकारों से संवाद किया एवं उनके हितों और अधिकारों को संरक्षण के लिए विभिन्न घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार भी होंगे। ये कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर ये कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रति माह दी जाने वाली सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर रहे हैं। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को 1,08,00,000 की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज भोपाल के बरखेड़ी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।